जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जरीर बुक स्टोर से लाइव हूँ मैं, तो आपको कुछ लैपटॉप के ऊपर जो डिस्काउंट चल रही है इससे अपडेट कर दूंगा मैं। तो HP लगा हुआ ये 240 1 TB, अभी मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा भाई 240 1 TB आप समझते जाएंगे खुद से भी। 1 TB यानी कि स्टोरेज है, तो 8 GB रैम है, 15.6 इंच FHD डिस्प्ले है, तो HP ठीक है 2849 रियाल में लगा हुआ है। इससे आगे लगा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी HP वालों का यार, तो 280 है जी, 1 TB 8 GB रैम और 15.6 इंच का डिस्प्ले, तो प्राइस क्या है 3449 रियाल ठीक है डिस्काउंट के साथ। तो HP आगे 280 1 TB 8 GB रैम 15.6 इंच FHD डिस्प्ले 3449 रियाल। आगे कौन सा है जी, ये छोटा है लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत है, तो इसके प्राइस से आपको मैं अपडेट कर देता हूँ। प्राइस तो है जी 4100 रियाल, लेकिन मॉडल है जी HP इनवाई, तो 240 है जी, 512 GB 8 GB रैम 13.3 इंच FHD डिस्प्ले। आगे जी HP पवेलियन 190 1 TB 16 GB 13.3 इंच FHD डिस्प्ले के साथ। आगे है जी, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं जी, HP वालों का है जी HP पवेलियन, तो 4249 रियाल में लगा हुआ है, तो 280 है जी, 1 TB SSD 16 GB 14 इंच FHD डिस्प्ले। आपको मैं थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ भाई, देख लें आप खुद से 4249 रियाल में। तो आगे चलते हैं जी, यहाँ पर HP वालों के ही दो पड़े हुए हैं, एक 4900 रियाल में बोल रहे हैं आप, 280 है, 1 TB 16 GB 13.3 इंच का FHD डिस्प्ले है, साथ में भाई टू स्टोरेज के साथ, एक 5500 में है एक 4800 में है, तो टू स्टोरेज के साथ ये अवेलेबल है, तो इसके प्राइस भी 4800 रियाल बोल रहे हैं सीधा यार, 4749 रियाल 4800 हो गए। तो यहाँ पर डेल वालों का पड़ा होगा 5500 रियाल में, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ, देख लें आप ठीक है, 180 है जी, 512 GB स्टोरेज है, 116 GB रैम है, 13.3 इंच का डिस्प्ले है। आगे डेल इंस्पायर ठीक है, 240 है जी, 256 GB 8 GB रैम के साथ, 14 इंच FHD डिस्प्ले 3100 रियाल में। इससे आगे पड़ा हुआ है जी 3800 रियाल में, 2 GHz है जी, 512 GB SSD 8 GB रैम और FHD डिस्प्ले के साथ 3800 रियाल में। आगे SS लगा हुआ है एक, देख लें आप, 240 है जी, 512 8 GB 14 इंच FHD डिस्प्ले के साथ 2800 रियाल में। इस तरफ Acer Nitro 3 2000 रियाल में लगा हुआ जी, देख लें आप। इससे आगे Acer Aspire 5 है जी, 3200 रियाल में लगा हुआ है, 1 TB प्लस 128 GB ठीक है। इससे आगे लगा हुआ जी 4000 रियाल में Acer Aspire है जी, तो 280 है जी, 1 TB 12 GB रैम के साथ और 14 इंच का डिस्प्ले। आगे माइक्रोसॉफ्ट वालों के टू स्टोरेज के साथ, आगे माइक्रोसॉफ्ट सरफेस 3 5300 रियाल में, 130 है जी, 256 GB 16 GB 15.5 इंच का पिक्सल सेंस डिस्प्ले ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी, मैं आगे भाई आपको और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आई मैकबुक प्रो, मैकबुक प्रो मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा रहा हूँ, आप खुद से देख लें जी अच्छे से ठीक है। 260 है जी, 512 GB SSD 16 GB रैम के साथ, तो 16 इंच का इसका रटीना डिस्प्ले है, तो मैकबुक। आगे पड़ा हुआ ये मैकबुक प्रो, ये मैकबुक प्रो है बड़े साइज़ का, ये छोटे साइज़ का है, 10400 500 रियाल में है, ये 8549 रियाल में। 2 GHz है जी, देख लें, तो 512 GB SSD 16 GB रैम 13.3 इंच डिस्प्ले के साथ। आगे मैक पड़ा हुआ है लेकिन ऑन नहीं है। इससे आगे लिनोवो योगा स्लिम है जी 7 3300 रियाल में ठीक है। इससे आगे लिनोवो योगा स्लिम 3100 रियाल में। इससे आगे लिनोवो आइडिया पैड 5 प्रो, तो 320 1 TB 16 GB रैम के साथ, तो देख लें आप इसका डिस्प्ले बड़े साइज़ का है जी, 16 इंच का डिस्प्ले है, तो प्राइस है जी 3900 रियाल। तो आगे चलते हैं जी, आगे कौन से अवेलेबल हैं तो वो आपको दिखाता हूँ मैं अभी जी। 5700 रियाल में लगा हुआ डेल इंस्पायर, साथ में डेल इंस्पायर ये भी है, ये 2500 रियाल में है। माइक्रोसॉफ्ट के पड़े हुए हैं ये 3, देख लें इनके प्राइस मेंशन है, ये काफ़ी महंगे हैं, 10400 में और 7419 रियाल में। तो इस तरफ HP वालों का भाई 280 है जी, 512 GB 16 GB रैम के साथ, 13.5 इंच FHD डिस्प्ले के साथ, 5700 रियाल में। आगे कौन सा है जी देख लेते हैं, 110 है जी, 512 GB SSD 8 GB रैम 13.3 इंच FHD डिस्प्ले के साथ, तो प्राइस मैं भी आपको दिखाता हूँ भाई। ये टैब की कुछ वैरायटी है यहाँ पर,
तो इसकी वीडियो मैं आपके साथ लहदा से शेयर कर दूंगा। 3449 वाले में लगा हुआ है एसर नेट्रो 5, ठीक है, एसर नेट्रो 5 आ गया जी। ये भी ये 3600 रियाल में है, 250 है जी, 512 GB 8 GB रैम, 1586 इंच FHD डिस्प्ले। आगे एसर प्रीडेटर सॉरी तो 240 है जी, 1 TB HDD प्लस 1 TB SSD, तो SSD तो स्टोरेज यानी कि 2000 GB बोल रहे हैं इसकी हो गई है। 24 GB की भाई इसकी रैम है, तो 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले है, एक कमाल किस्म की बला है यार ये। तो 8500 रियाल में लगा हुआ है डिस्काउंट के साथ। तो मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके फिर दिखा देता हूँ भाई, देख लें खुद से आप सली से। एक गेमिंग लैपटॉप है और कमाल की लुक है यार इसकी। तो डेल G15 है जी, आगे 5700 रियाल में लगा हुआ है, ठीक है, 1 TB 512 16 15.6 इंच का डिस्प्ले के साथ। 8000 में लगा हुआ है HP ओमेन, तो 3.30 GHz है जी, 1 TB SSD 16 GB 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले। देख लें कलर इसकी लाइट में भी आ रखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इस तरफ, मैं आपको और वैरायटी दिखा देता हूँ, जिनमें HP विक्टस 6000 रियाल में लगा हुआ है, HP पवेलियन 4200 रियाल में लगा हुआ है, और इसके मुतल्लिक मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। इसको थोड़ा काट लेते हैं, ओके भाई। 250 है जी, 512 16 GB 15.6 इंच FHD डिस्प्ले के साथ। आ गया जी MSI वालों का, तो 6500 रियाल में है, 260 1 TB 16 GB रैम के साथ। आ गया जी MSI स्टिल्ट, तो 5600 रियाल में, 260 1 TB 16 GB रैम के साथ, FHD डिस्प्ले 15.6 इंच का। आगे पड़ा हुआ MSI वालों का ही, तो देख लें आप नीचे से भी लुक इसकी यार इनकी, ये यहाँ पर लाइटिंग वगैरह चलती रहती है इनके, तो आप अगर बंद लाइट में भी यूज़ करेंगे तो ये लाइट आपके लिए काफ़ी है। तो गेमिंग लैपटॉप है ये भी भाई, 4100 रियाल में लगा हुआ है। इससे आगे MSI वालों का 3449 रियाल में, ठीक है। इससे आगे MSI वालों का 4300 रियाल में SS रोग स्ट्रिक्स, तो ये SS रोग G513 है जी, 330 512 GB SSD है जी, 8 GB रैम, 15.6 इंच FHD डिस्प्ले के साथ। इससे आगे पड़ा हुआ है SS रोग, तो इसके प्राइस हैं जी 5000 रियाल, 290 1 TB 16 GB 14 इंच का FHD डिस्प्ले के साथ। तो यहाँ पर कुछ वैरायटी और भी है, जैसे कि मूवीज़ वगैरह देखने यूज़ की जाती हैं जी, इनके प्राइस मुख्तलिफ हैं थोड़ा, यानी कि कुछ लो हैं कुछ हाई हैं, लेकिन इनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो ये भाई डेल वालों का एक इंस्पायर है जी, देख लें 2500 रियाल में लगा हुआ है, 2GHz 256 SSD 4 GB 14 इंच FHD डिस्प्ले के साथ। तो टच है कि नहीं जी, बिल्कुल टच भी काम करता है, देख लें आप। तो ये लैपटॉप की कुछ वैरायटी थी जी जरीर बुक स्टोर से, जो मैंने आपको दिखाई है। बाकी आप भाइयों ने किसी और चीज़ के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसकी वीडियो भी शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।